कर्म जरूर कीजिए, पाप ना हो मेरे से, ना मन से मैं बुरा सोच के पाप करूं, ना मुख से बुरा बोल के पाप करूं, ना कर्मों से पाप करूं, ना धन से पाप करूं, केवल मेरे द्वारा अब पुण्य ही हो, क्योंकि अब मोदी साहब नहीं, अब ऊपर वाला हिसाब किताब लेने वाला है। इसीलिए कर्मों को टोटली सफेद रखना है मुझे, एक भी कर्म मेरा काला ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस संसार की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा बल वो है पुण्यों की पूंजी, दुआओं की दौलत। हर दिन इकट्ठी कीजिए इसको, हर दिन कमाइए, हर दिन सेविंग कीजिए इसकी। कोई दिन ऐसा ना जाए जो इसकी सेविंग ना हो। भरपूर कर ले हम अपने आप को इस धरती पर से जाने से पहले, भर कर जाए और इतना भर ले, इतना भर ले कि अगर जरूरत भी पड़े तो मुझे दोनों हाथों से दान भी करना पड़े तो मैं अपनी दुआएं और पुण्य दोनों हाथों से दान भी कर सकूं, इतनी बड़ी दाता बन जाऊं इस दौलत में। तो आज से हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि कुछ भी पाप मेरे से ना हो, केवल पुण्य हो। हम सुनते रहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर के लिए बड़ी योजनाएं चल रही है, वो तो बहुत अच्छी बात है, बनना ही चाहिए उनके जन्म स्थान पर। परंतु मैं एक बात और कहना चाहूंगी, यदि हम सब पहले राम बन जाए तो हर घर ही मंदिर बन जाए। पूछो दशहरा था, रावण मुस्कुरा करके प्रश्न पूछ रहा था कि तुम मुझे सदियों से जलाते आ रहे हो, ढोल धमाके के साथ जलाते हो, जलाइए शौक से जलाइए, परंतु आज मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना, उसके बाद जलाना। उसने एक बहुत ही तीखा प्रश्न पूछा कि मुझे जलाने वालों ये तो बता दो कि तुम्हारे में से राम कौन है। रावण को जलाने का हक किसको है? तो एक एक राम बनो। और फिर देखिए, पूरा यूपी यदि राम के मंदिर से सुशोभित ना हो जाए, घर घर राम का मंदिर ना बन जाए, कोई नहीं रोक सकता, किसी की परमिशन भी नहीं चाहिए। लेकिन वो तब होगा जब मन सफेद होगा, जब कर्म सफेद होंगे, वो तब होगा। हम राम बनने का प्रयास करें, मंदिर तो खुद पे खुद बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे जो गिनती भी राम राज बना देंगे। हम राम मंदिर की तो बात छोड़ो, राम राज ले आएंगे सृष्टि पर, केवल राम बनो। तो पुण्य कर्म कीजिए, ये पुण्य कर्म तब काम आते जब संसार का कोई भी पद, कोई भी सत्ता, कोई भी दौलत, कोई भी संपत्ति, कोई भी सगा संबंधी काम नहीं आता, तब ये पुण्य, ये दुआएं काम में आती हैं। बड़ी बड़ी आपते, मुसीबतें, लाइलाज बीमारियां जब आ जाती है, जब संपत्ति धरी की धरी रह जाती है, जब पद पोजीशन धरे के धरे रह जाते हैं, तब ये पुण्य काम आते हैं हमारे। ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे साथी बनते हैं। पीछे हम गुजरात में गए, एक एनआरआई भाई जो विदेश से भारत लौटा था भारतीय, बड़ा धन संपत्ति कमा करके आया, उसने आप बीती एक घटना मुझे सुनाई और मुझे भी उस दिन लगा कि वास्तव में हमारे जीवन में पुण्यों पर दुआओं का कितना भारी महत्व है। उसने कहा, बहन जी मैंने इतनी धन दौलत कमाई, कुछ ऐसे कमाई, कुछ वैसे कमाई। अब ऐसे कमाई वो तो ठीक है, लेकिन जो वैसे कमाई वो कैसे जाएगी? एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हम अपने घर में धन लेकर आते तो केवल धन नहीं लेकर आते, दो चीजें साथ में लाते हैं, किसी की हाय भी लाते हैं, किसी की बददुआएं भी लाते हैं, तो किसी की दुआएं भी लाते हैं। मेरे घर में धन के साथ किसी की बददुआएं भी मेरे घर में प्रवेश हो जाती है और किसी की दुआएं भी। तो धन के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, बददुआ नहीं। मैं अपना हक का खाऊं, अपने अधिकार का खाऊं, दूसरे का हक छीन कर, अपने पद पोजीशन का भय दिखाकर,
दूसरों के मुख का नेवाला छीन कर मैं अपने बच्चों को खिलाऊं, तो मेरे बच्चे भी कौन सी राह पर चलेंगे जो मैं सुनना भी पसंद नहीं कर सकती। इसीलिए कर्मों पर आज से हमें विशेष ध्यान देना है। मैं ईमानदारी की खाऊं, दो के बजाय एक खाऊं, महलों की बजाय भले झोपड़ी में रहूं, पर ईमानदारी की राह पर चलूं, ईमानदारी ना छोड़ूं अपने जीवन में। तो उसने कुछ ऐसे कमाया और कुछ वैसे, तो वो धन धरा का धरा रह गया, काम में नहीं आया। उसने कहा, बहन जी इतना धन कमा लिया कि मुझे भी नहीं पता कितना है। कहते हैं दो चीजें व्यक्ति के पास कभी इकट्ठी नहीं रहती, और जिसके पास रहती है वो करोड़ों में लाखों में एक होता है, समय और समझ। अक्सर करके हमारे पास समय बहुत होता है परंतु समझ नहीं होती, और जब समझ मिलती है तो समय मेरे हाथ से चला गया होता है। ऐसा ही उसके साथ हुआ। उसका एकमात्र बेटा 20 साल का, उसे न्यूज मिला कि ब्लड कैंसर हो गया। संध्या काल का वक्त है, दिल से भगवान से मैं ये गुजारिश करूंगी कि किसी भी माता पिता को ये दिन देखना ना पड़े, सबके बच्चे स्वस्थ रहे, सुखी रहे, निरोग रहे, सतवर्ष आयु पाए। लेकिन उस पिता को ये दिन देखना पड़ा। उसने भारत के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को अपने बच्चे को दिखाया, परंतु टू लेट हो गया था, चौथी स्टेज पर पहुंच गया था, सबने हाथ खड़े कर दिए। इकलौते बेटे को लेकर वो अमेरिका जाता है, विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर को दिखाता है। वो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर भी उसकी रिपोर्ट को रीड करता है और सर झुकाकर कहता है, आई एम वेरी सॉरी टू लेट, बहुत देर हो गई है। अब वो एनआरआई भाई ने जो बताया वो ये बताया कि उस समय मैं क्या करता, मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, मैंने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए, उसको हिलाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरी सारी धन संपत्ति ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, सब कुछ ले लो, कुछ भी करो, पर मेरे बच्चे को बचा दो। तब डॉक्टर ने कहा, देखो भाई साहब, मेडिकल साइंस यहां आकर फेल है, कुछ नहीं कर सकती यहां मेडिकल साइंस। हां, अगर तेरे बेटे के जीवन में अब कोई चमत्कार कर सकता है तो वो केवल ऊपर वाला है जो अब भी चमत्कार कर सकता है। मेडिकल साइंस का भी हाथ ऊपर गया। फिर उसने कहा, भैया अब तो केवल दुआएं बचा सकती हैं, केवल दुआ। और तीसरा बोला कि तुम्हारे इसके कर्म। जब उसका तीसरा नेत्र खुला तो समय हाथ से निकल चुका था, समझ देरी से आई। आज तीसरा नेत्र खुला, आज वो यथार्थ देख रहा है कि मैं काहे का साहूकार, मेरे जैसा कंगाल तो कोई भी नहीं है। भगवान ऊपर वाला, उससे भी मेरा कभी पाला पड़ेगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब उससे मदद मांगू तो किस मुंह से मांगू। दुआएं वो तो कभी ली भी नहीं है। काश उसने भगवान का ध्यान किया होता कुछ क्षण, तो आज भगवान भी उसका ध्यान रख रहा होता। लेकिन उसने कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, ना कभी दुआ दी और ना कभी दुआ लेने की कोशिश की। कर्मों का तो ज्ञान ही नहीं कि कुछ पाप पुण्य भी होते हैं क्या। लेकिन जिस पर ध्यान दिया, जिसे ना दिन देखा ना रात, ना पाप देखा ना पुण्य, ना अपना देखा ना पराया, कमाता चला गया कमाता, आज वो है तो सही पर देखिए कैसी बेवफा बनी है, परंतु काम में नहीं आ रही। सब कुछ है, पद पोजीशन भी है, धन संपत्ति भी है, बड़े बड़े सोर्स भी हैं, परंतु सब धरे के धरे। और जो आज काम में आना चाहिए, जिसकी आज सख्त जरूरत है, उसमें उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो है, निल। और जो बैंक बैलेंस भरे हुए वो काम में नहीं आ रहे। ऐसी बेवफा बनी, आज दौलत है तो परंतु मुस्कुरा रही है, काम में नहीं आ रही। इसीलिए जहां ये धन मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही पुण्य की कमाई भी मेरे
मेरे जीवन में बहुत जरूरी है, वह दुआएं भी बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि बहन जी मेरे सर पे हाथ रख दो दुआ दे दो, भाई जी मेरे सर पे हाथ रख दो दुआ दे दो। ये दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, फोकट में नहीं मिलती किसी को, ये फोकट में नहीं मिलेगी। और मांगने वाले को कितना मिलता है, भिखारी से तो पाले पड़े हैं ना सबके। पहली बात तो देना ही नहीं चाहेंगे, देखेंगे ही नहीं उसकी तरफ, और यदि पीछा छुड़ाने के लिए देंगे भी तो जेब में 2000 रुपए पड़े हैं उनको नहीं छुएंगे। जो सबसे छोटा सिक्का पड़ा है ना वो निकाल के देंगे। मांगने वाले को इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा। अभी आपके घर पे यदि कोई भिखारी आ जाए तो 4 बोले चावल के पड़े हैं, आटा पड़ा है, अनाज दाल सब पड़े हैं, लेकिन अपने दरवाजे पर आए भिखारी को एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी आटा ही दे के टरका देंगे, पूरा बोरा कोई नहीं देगा। तो मांगने वाले को इतना ही मिलता है, और मेरा मांगने से अब गुजारा होता नहीं। क्यों ना मेरी सोच ऐसी हो, मेरा व्यवहार ऐसा हो, मेरे कर्म ऐसे हो, मेरी बोल ऐसी हो कि देने वाला स्वेच्छा से दे, और जब दे तो छप्पर फाड़ कर देने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरह से दे, कब तक मांगूंगी मैं, दो दानों से तो मेरा गुजारा नहीं होता। अपनी सोच को बदलिए, अपने बोल बदलिए, अपने कर्म बदलिए, अपने व्यवहार बदलिए, और ऊपर वाले को विवश कर दीजिए कि वो आसमान फाड़ कर आपके भंडारे भरपूर करे। इस तरह से अपने जीवन को बनाइए।